शहर में सब्ज बाग दिखाकर कॉलोनियां विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों की वादा खिलाफी को लेकर लोगों में आक्रोश पनप रहा है। सोमवार को उषा नगर के रहवासी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। यहां कॉलोनाइजरों की नामजद शिकायत करते हुए कहा कि 2011-12 में किस्तों पर उषा नगर में प्लाट काटे गए थे। 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर हमने प्लाट खरीद लिए। कॉलोनाइजर ने बिजली, सड़क, बगीचा, मंदिर, प्रवेश द्वार बनाकर देने का वादा किया था। फिर झांसे में आकर मकान बनाकर रहने भी लगे, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी बिजली, पानी, सड़क नहीं मिलने से कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि 29 मई को जब कॉलोनाइजर से सुविधाओं की मांग की तो वो धमकाने लगा। कहा शिकायत करने पर भी वो किसी तरह से बाध्य नहीं होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमने जो उषा नगर नाम के कॉलोनी थी उसमें हम सभी ने प्लाट ट्राई किया है। तो जो कॉलोनाइजर है उसके द्वारा हमको पिछले 10 वर्षों से गुमराह किया जा रहा है। न तो हमको प्लाट कब्जा दिया जा रहा है और न हमको ये बता रहा है कि हमारा प्लाट उस स्थान पे किस जगह पे है जहाँ पे हम अपना कुछ बना सकें। अब चूँकि ये सब हम गरीब और निम्न परिवार से संबंधित हैं, लेकिन जब भी उससे इस संबंध में चर्चा की जाती है तो वो तो कॉलोनी डेवलप करने की बात करता है। जब भी उसने प्लाट विक्रय किए थे, जब उसने हमको बाकायदा पेम्पलेट भी बताई थी, कॉलोनी का गेट बनेगा, रोड, बिजली, नाली, सारे सुविधाएँ आपको मुहैया कराई जाएगी, ये उसने उस वक्त कहा था। लेकिन जब भी हम जाते थे तो उसका ये कहना पड़ता था कि ईद बात कर दूंगा, दिवाली बात कर दूंगा, चुनाव बात कर दूंगा, बारिश बात कर दूंगा। लेकिन उसकी 10 बारिश, 10 त्यौहार सारे निकल गए, चुनाव भी कई कितने हो गए। आज तक उसने कोई इस तरीके कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। वर्तमान में हम अभी 29 मई को जब उनसे मिलने गए इसी संबंध में सारे लोग, तो उनके द्वारा ये कह के हमको टाल दिया कि आपसे जो बने वो कर लो, मैं इस विषय में कुछ नहीं करना चाहता हूँ और आपको जहाँ शिकायत करना है वहाँ कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। और अगर शासन प्रशासन इसमें कोई अनुचित कार्रवाई करता है तो जिससे आपकी ज़मीन भी जा सकती है और इसके आप स्वयं जवाबदार हैं। ये कॉलोनी है किसकी? ये कॉलोनी के 3 पार्टनर थे, शिवराम राठौर और रफीक पानवाला और अफसर से उषा कंस्ट्रक्शन वाले राज कॉलोनाइजर के नाम से। तो आप इन लोगों से मिले थे? जी बिल्कुल मिले, सभी लोग मिले। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कोई नहीं, इनको इनसे आश्वासन बस हमेशा यही मिलता रहा है कि बस हम चुनाव बात कर देंगे, दिवाली बात कर देंगे, दशहरा बात कर देंगे, ईद बात कर देंगे, और बोले तुम देखते ही नहीं हो, बोले जाके देखो कंस्ट्रक्शन हमने सब कर रखा है। जबकि वहाँ पे अभी वास्तविक स्थिति देखे तो सिर्फ मिट्टी के रोड बने पड़े हैं और चेम्बर बनाए हैं, वो भी 2 सालों का चेम्बर भी पूरे पूछ गए। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या यही है कि वो हमको न तो प्लाट की नकली करके दे रहे हैं, कब्जा भी नहीं दे रहे हैं और डाइवर्सन के लिए उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए। क्या मांग किया आपने? मांग हमने यही की है कि जो आपने हमको प्लाट बेचते टाइम बोला था कि हम ये सारी सुविधाएं आपको देंगे, कि रोड, सीमेंट का रोड बना के देंगे, PCC पोल खड़ा करके देंगे, बिजली वगैरह सारी, नाली वगैरह सब, तो हम यही चाहते हैं कि आपने जो हमसे वादा किया जिससे हमने प्लाट खरीदे, तो आप वो सारी सुविधाएं हमको मुहैया कराएं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गुप्ता। कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण सुदामा कॉलोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।